વરાછા માનગઢ ચોક ખાતે આર્ટ ઓફ લિવિંગ નો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. ભક્તિ રસ તેમજ સંગીત સંધ્યાના આ કાર્યક્રમમાં મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. इंग्लिश में अपने गाने लिखती है, उन्हें धुन देती है और गाती भी है, गिटार बजाती है. शी इज क्वाइट अ पैकेज डील. वो जानती है अपना काम और बस अच्छा सीख रही है, अच्छा गा रही है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हुई है और आगे चल के देखते हैं क्या करती है. ऐसा कहा जाता है कि इंसान संगीत के बिना अधूरा. जी जी. तो सुर ताल और लय की सफर में जी. आप जिस मकाम पे हैं तो आप बॉलीवुड में जाना चाहोगे गाने के लिए? मैं नहीं जी. वो जो डिसीजन लेना अगर चाहिए था तो वो शायद 30 साल पहले लेना चाहिए था. और क्योंकि मैं बॉम्बे की जुहू में रहने वाली थी उस वक्त, तो सब बॉलीवुड ही बॉलीवुड बना हुआ था तब. और कहीं डिसाइड कर लिया था कि ये फील्ड मेरे लिए शायद अलग है. गाना चाहती हूँ लेकिन शायद इसमें डूबना नहीं चाहती. गाना अच्छा लगता है लेकिन उसका जो सेटअप है, माहौल है, वो शायद इतना पसंद नहीं था. और कहीं पता था कि आगे चल के अध्यात्म में ही कुछ करूंगी. आगे जाके कोई ऑफर आएगी तो एक्सेप्ट करोगे? ऐसे होता नहीं. जो वहां लोग पड़े हुए हैं बॉम्बे में काफी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कोई मुझे ढूंढता हुआ आएगा? और आ गया तो देख लेंगे. हमारे टाइप का कुछ गाना है जो गाने में मुझे गर्व हो, उसके मतलब अच्छे हो, तो हाँ फिर देख लेंगे जो हो रहा है. संगीत की दुनिया में सूफी संगीत जो एक अव्वल दर्जे का माना जाता है, how do you feel about the sufi? I feel very good कि आजकल सूफी जो है अच्छी पैकेजिंग के साथ लोगों के सामने आ रहा है, क्योंकि इसी में सीखने को इतना कुछ है. और लोग इस भ्रम में ना रहें कि सूफी जो है वो सिर्फ इस्लामिक ही होता है. तो मीराबाई ने जो किया वो तो सूफी है, कबीर ने जो किया वो सूफी. हम तो सूफी से ही भरे हुए हैं. और प्लस इस्लामिक सूफीज़म नुसरत फतेह अली खान साहब से बहुत कुछ सीखा है, राहत भाई से हमने बहुत कुछ सीखा है उनकी म्यूज़िक से. तो सूफी आई थिंक आने से काफ़ी सीखने को यहाँ. इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट्स मोर देन एंटरटेनमेंट. पिछले 25 साल से आप संगीत की दुनिया से जुड़ी हुई जी, और आखिरी 10 साल से आप आध्यात्मिक जगत के संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई. आपकी जीवन में ऐसी कोई क्षण आई जो जिनको बोलते हैं कि रूह, आपकी जो रूह है, आपकी आत्मा है, वो परमेश्वर के साथ वो टाइप हो गया, ऐसी कोई क्षण हो तो आप दर्शक मित्रों से शेयर करें? संगीत जो है और मेरी तरह का जो डिवोशनल संगीत है वो बहुत बढ़िया है. कुछ और सुनने से अच्छा ये है, अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है. लेकिन संगीत से आगे जाना वो है साइलेंस. पहले तो संगीत से प्यार करें, किस तरह का संगीत सुन रहे हैं उससे प्यार करें, और उससे आगे संगीत ही आपको ले जाएगा सिर्फ मौन में. इसलिए संगीत का रोल है, संगीत इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ कि संगीत को ही पा लेना है. मेरे लिए जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए तो संगीत पाना ही विषय है उनका. मेरे लिए संगीत एक महज तरीका है मौन में डीप और जाने के लिए. तो और अध्यात्म
यही संगीत गाते हुए मुझे कभी बस गा रही हूँ, और जब हम स्टेज पर गाते हैं ना, तो जैसे हम अकेले में गा रहे हैं तो शायद इतनी जागृतता नहीं होती, लेकिन स्टेज पर एवरीथिंग इज सो मैग्निफाइड कि हम स्टेज पर जब गा रहे होते हैं तो एक एक शब्द खुद इतना लगता है, और वो जैसे एक हवन कुंड हो जाता है कि हजारों लोग सुन रहे हैं और साथ में गा रहे हैं, और सब हम सब एक ही नारा लगा रहे हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, हम सब एक ही नारा लगा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हवन जैसे हो जाता है और सब अपनी आवाज के माध्यम से उसी हवन में आहुति डाल रहे होते हैं। कभी कभी गाते गाते बस आंसू आ जाते हैं, कभी कभी गाते हुए ऐसा लगता है बस अभी गाना नहीं, मौन में चला जाना है, लेकिन सामने लोग होते हैं तो एक शो जारी रखना होता है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं स्टेज पर, और मेरे लिए कभी मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं ऑडियंस के लिए गा रही हूँ, मैंने तो बहुत इनोसेंटली ये सब किया है, मैंने ऑडियंस को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। जब मैं गा रही होती हूँ भावेश जी, मैं तो उसके साथ एक रूप हो जाती हूँ, अब मैं तो उसके लिए गा रही हूँ, अब गाते गाते अगर वो मेरे साथ हो जाते हैं और एक हो जाते हैं मेरे साथ और वो भी उसका अनुभव ले लेते हैं, तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है कि आवाज के जरिए इतने लोगों ने लुत्फ भी उठाया, और लुत्फ उठाते उठाते कहीं से कहीं एक मानसिक स्थिति में पहुंच गए, तो ये तो मेरे लिए हर शो में एक जादू ही है, इट्स अ मिरेकल विद एवरी शो, और ये जो होता है ये गुरु की कृपा से होता है, और ये जो होता है ये माता रानी की कृपा से होता है, इसमें मैं हूँ ही नहीं, जो गा रही हूँ जो दिख रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, गुरु के आशीर्वाद के बिना यहाँ तक ना पहुँचती और माता रानी की कृपा ना होती तो मैं यहाँ ना पहुँचती। इस बार सूरत आने का आपका विशेष प्रयोजन क्या था? विशेष तो यही था कि गौशाला खोलना चाहते हैं, हमारे वासद में आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत बढ़िया आश्रम है, तो वहाँ के लिए काफी सारे पैसे, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट गौशाला बनाना चाहते हैं वहाँ, तो उसके लिए हमको कुछ फंड्स रेज करने थे, और फिर ये कॉन्सर्ट हुआ गोवर्धन जिसका नाम था, वेरी एप्टली नेम्ड, और दूसरा है कि यहाँ एक 3.5 दिन का शिविर भी मैंने किया है आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ही, वो शिविर में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसे आर्मी में बूट कैंप होता है ना, ऐसे ये शिविर होता है, ये बस बैठ के ध्यान करो प्राणायाम करो, उसकी भी बहुत अच्छी जगह है अध्यात्म में, लेकिन इसमें आगे कैसे बढ़ना, अपने दायरे को कैसे तोड़ के आगे बढ़ना, शेर की तरह आगे कैसे चलना, जो आप सोचते हो समाज के लिए अच्छे कार्य करने वो कैसे करना, इस कोर्स का नाम है दिव्य समाज का निर्माण, तो वो 3.5 दिन के लिए कोर्स किया, मुझे कहने में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि करीबन 75-80 लोगों ने वो मावा खाने की जो लत है इस एरिया में, वो मावा उन्होंने त्याग दिया, गुरु जी के सामने रख दिया सब, और उन्होंने कसम खाई है कि अब फिर से कभी वो मावे को हाथ नहीं लगाएंगे। डरा था कि ये मावे पर मावा क्या खाते हो, सुबह खाते हो 2 मिनट में उतर जाती है, 2 बूंद हमारी दोस्ती के क्यों नहीं पी लेते, सारी उम्र नशे में गुजर जाती है। एक और शेर याद आ रहा है कि हम शबे माह के चहेते हैं, हम शबे माह के चहेते हैं, डूब कर चांदनी में जीते हैं, आसमां में है मैकदा अपना, हम तो फरिश्तों के साथ पीते हैं। ये मेरा भक्ति संगीत भी क्या है ना, इसका तो मुझे नशा है, बस जब मैं गाती हूँ फरिश्ते आ जाते हैं, हम आसमानों में उड़ते हैं और उनके साथ भक्ति रस पीते हैं, और ऐसे ही जिंदगी बसर हो जाएगी।